नंबर वन उत्कला विमान बंदर को मिलला टीचर सेयर अनुमति ओडिशा पई आउ एक खुशी खबर राज्य आउ एक विमान बंदर रु विमान उड़ाण नहीं टीचर सेयर पक्ष अनुमति प्रदान कराई कलाहांडी उत्कला विमान बंदर रु विमान उड़ाण कर गत मस टीचर सेयर टीम स्थित अनुधान कर आज अनुमति प्रदान कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ट्वीट कर खुशी प्रकाश करने सह खूब शीघ्र भवानीपाटना भुवनेश्वर को विमान उड़ा बोली ट्वीट उल्लेख कर कलाहांडी उत्कला विमान बंदर विमान सेवा आरंभ होगा राज्यर जगाजग पाणिज्य और पर्यटन क्षेत्र सुदृढ़ हो मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करते राज्य द्रुत शिल्पायन और पर्यटन क्षेत्र विकास दृष्टि विमान सेवार गुरुत्व वृद्धि पाई राज्य भितर और अंतराज्य विमान चलाचल सह अंतर्जातीय उड़ाण को गुरुत्व देते राज्य सरकार कोरापुट और कलाहांडी जिला को पड़ोसी राज्यर पाणिज्यक प्रवेश पथ बोली कहुए वाणिज्यक प्रवेश तथा माओ आक्रमण आशंका दृष्टि सुरक्षित परिवहन निम्ते जयपुर और उत्कला बेस गुरुत्व बहन करें एठार विमान सेवा आरंभ होगा ना केवल स्थानीय लोक बर समग्र राज्यपाई उपाय सब्यस्त हो नंबर टू ओडिया रे नाम फलक न लिखिपार आठ व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपर कार्यानुष्ठान ओडिया रे नाम फलक न लिखिपार भुवनेश्वर आठ व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपर कार्यानुष्ठान समस्त व्यावसायिक संस्था को कारण दर्शा नोटिस जारी होई राज्यर सबु सहर रे चलेछि ओडिया नाम फलक तदारख व चढ़ाऊ सबु व्यावसायिक संस्था को ओडिया नाम फलक लगैबापाई बाध्यतामूलक नोटिस जारी करा छैछे एने ओडिया भाषा प्रतिष्ठान निर्देशक दिलीप राउतरा सूचना दैछन्ते सेपटे प्रकाश पाइला मैट्रिक सप्लीमेंटरी रिजल्ट बोर्ड कार्य सभापति प्रकाश कले रेजल्ट मैट्रिक सप्लीमेंटरी पास तेलीस दशमिक छः दुई प्रतिशत रही है सूचना अनुसाई चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर परीक्षा आवेदन नक पिला सप्लीमेंटरी परीक्षा देते एथेर समुदाय 1310 जन पिला फर्म फिलअप करते 433 जन पिला पास कर समुदाय परीक्षा देते 950 परीक्षार्थी एथिरु परीक्षा देना 360 जन परीक्षार्थी अंपटे राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा में 6778 परीक्षार्थी पास कर नंबर थ्री नूतन शिक्षानीति आधार में निष्पत्ति चलित शिक्षापर्षर बंद रमफिल नाम लेखा चलित शिक्षापर्षर एमफिल नामलेखा बंद हो राज्यर विभिन्न विश्वविद्यालयगुड़िक एमफिल नामलेखा बंद करने निष्पत्ति नूतन शिक्षानीति 2020 अनुसाई देश में एमफिल पाठ्यक्रम को उच्छेद करने को उल्लेख कर मात्र ए संपर्क में यूजेसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और डिग्री कलेजगुड़ी लिखित भाव में अवगत करना राज्य उच्चशिक्षा विभाग ए दिगरे कौन निर्देशनामा जारी करे एपरी स्थित में विश्वविद्यालयगुड़िक चलित बर्षर एमफिल नामलेखा बंद करने छात्र छात्री गहण से असंत तोसर कारण साजि नूतन शिक्षानीति अनुसाई शिक्षा व्यवस्था व्यापक परिवर्तन होगा जाए तृणमूल स्तर अर्थात अंगनवाड़ी ठार आरंभ कर पीएचडी पर्यंत शिक्षार नवकल्पर कराऊे तेपे नीति आधार में चलित बर्षर आउ एमफिल मास्टर अफ फिलोसफी नाम लेखा होबनी पाठ्यक्रम नूतन शिक्षानी उच्छेद करणिक छात्र छात्री स्नातकोत्तर पिजी पर सीधासलख पीएचडी डक्टरेट अफ फिलोसफी अध्ययन करेंगे नंबर फोर मधुबाबू पेंशन योजन चोरी है 413,000 हिताधिकारी सामाजिक सुरक्षा को गुरुत्व दे पढ़ला मधुबाबू पेंशन योजना परिसर आउ 413,000 हिताधिकारी सामिल करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एथिस योजन हिताधिकारी संख्या 28,61,000 25,75,000 को वृद्धि पाई अगस्त 15 तारीख जनसेवा दिवस नुआ हिताधिकारी प्रथम पेंशन पाइबे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर और वार्ड कार्यालय निर्वाचित प्रतिनिधि उपस्थित रेक पेंशन दिज्व कैंप कर हिताधिकारी पेंशन बंटन जिलापा परामर्श दिखाई पीएमओं विभिन्न जिलागस्त और मो सरकार मिलता फिडबैक आधार में अधिक लोकं योजन सामिल करने को मुख्यमंत्री निष्पत्ति मुख्यमंत्री निर्देश में 5T सचिव फिके पांड्यान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न जिला गस्त कर विकासमूलक काम समीक्षा करने सह तृणमूल स्तर में लोकों समस्या पूछुंट यहाद्वारा लोक समस्या त्वरित समाधान हो पारे राज्य सरकार 28,61,000 हिताधिकारी मधुबाबू पेंशन योजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे नंबर फाइव खुशी खबर ओडिशापाई ना ही बन्या आशंका हीराकूद कमुचे जलस्तर प्रबल वर्षा जो राज्यर विभिन्न स्थान में पा पशि जाता बेले विभिन्न स्थान में बन्या परिस्थिति सृष्टि हीराकूद जलभंडार जलस्तर धीरे धीरे ह्रास पाता देखा मिले तेणु राज्य में बर्तमान बनार आशंका कमी पार लगी महानदी तथा राज्यर अन्न्य नदी में ह्रास पाई बन्या हेबार भय एने जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री भक्तरंजन महांती सूचना देते जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री श्री महांती कहते जब हीराकूदर वर्तमान जलस्तर 620.8 फुट रही है सीपरी जलभंडार को 1,75,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होता बेले 350,000 क्यूसेक बन्या जल निष्कासित होछे मंडल में 450,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होछे
तेज रेकर्ड अनुसार राज्यर विभिन्न नदी में जलस्तर तलक खसीपार लगी व्यतीत हीराकुद नदीपंथर तलमुंड किंवा उपरमुंडर वर्षा मध्य होना जहाँफल ड्यम्र जलस्तर निम्नगामी होबे अनुमान करसंता 9 तारीख सुधा हीराकुदर जलस्तर 615 फुट तलक खसी जाए जहाँफल राज्य में बना को नहीं वृद्धि पाता आशंका कम हो नंबर 6 वृद्धि पाला सांबादिक स्वास्थ्य बीमा आवेदन अवधि तुरंत करंतु पंजीकरण सांबादिक स्वास्थ्य बीमा आवेदन अवधि समय सीमा वृद्धि करा शेष तारीख अगस्त 7 थिबा पले एहाकु वृद्धि करा अगस्त 15 तारीख पर्यंत करा कला सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना 2023-2024 हिताधिकारी पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होइसे एई योजना रे इच्छुक सांबादिक जेकोनसी स्वीकृतिप्राप्त मुद्रित किंवा वैद्युतिक गणमाध्यम कार्य करुथिबा निहाती जरूरी एनी राज्य एवं लोकसंपर्क विभाग पक्ष सूचना जारी होता www.odisha.gov.in साहाय्यरे निज नाम को पंजीकरण करने अनलाइन स्वास्थ्य बीमा निम्ते आवेदन पत्र दाखल करने को पड़ा कहुई वर्तमान यार 30 तारीख अगस्त 15 को वृद्धि करोचनाजोग्य जे गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजन कार्यरत सांबादिक और पर उन्नत चिकित्सापी बीमा राशि 2 लक्ष 5 लक्ष टंका वृद्धि कर नंबर 7 युक्त 2 परीक्षा पद्धति हेब परिवर्तन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर युक्त 2 परीक्षा पद्धति परिवर्तन करने को निष्पत्ति छात्र छात्री वर्तमान वर्षक 2 इंटरनाल परीक्षा देवे परिषद पक्षर कहुई एने विस्तृत मार्गदर्शिका जारी होनुसार 2023-24 शिक्षावर्ष द्वादश श्रेणी छात्र छात्री प्रत्येक शिक्षानुष्ठान 2 इंटरनाल परीक्षा होने 2024 वार्षिक परीक्षा देवे प्रथम इंटरनल परीक्षा अगस्त 16 29 मध्य द्वितीय परीक्षा नवंबर 1-11 मध्य कहुई प्राक्टिकाल विषयगुड़िक थ्योरी 20 और प्राक्टिकाल 10 मार्क परीक्षा हो उभय परीक्षा 45 मिनिट समय दिज्वे प्राक्टिकाल ना विषयगुड़िक 20 मार्क परीक्षा हो 2024 वार्षिक परीक्षाफल घोषणा समय इंटरनाल परीक्षार 20% और वार्षिक परीक्षार 80% वेटेज दिथ्वी परिषद पक्षर मार्गदर्शिकार कहुई नंबर 8 ओडिया नामफलक न लेखिपारु 8 व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपरे कार्यानुष्ठान ओडिया नामफलक न लेखिपारु भुवनेश्वर 8 व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपरे कार्यानुष्ठान समस्त व्यावसायिक संस्था को कारण दर्शा नोटिस जारी होइछे राज्यर सबु सहर रे चलेछि ओडिया नामफलक तदारख व चढ़ाऊ सबु व्यावसायिक संस्था को ओडिया नामफलक लगैबा बाध्यतामूलक नोटिस जारी करा जाइछे एने ओडिया भाषा प्रतिष्ठान निर्देशक दिलीप राउतराय सूचना दैछन्ते सेपटे प्रकाश पहिला मैट्रिक सप्लीमेंटरी रिजल्ट बोर्ड कार्यालय सभापति प्रकाश कले रेजल्ट मैट्रिक सप्लीमेंटरी पासर 43.62% रही सूचना अनुसार चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करीक्षा आवेदन न कर पिला सप्लीमेंटरी परीक्षा देते समुदाय 1310 जन पिला फर्म फिलअप करते 433 जन पिला पास कर समुदाय परीक्षा देते 950 परीक्षार्थी एथु परीक्षा देना 360 जन परीक्षार्थी अंपटे राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा 6778 परीक्षार्थी पास कर नंबर 9 यूनियन बैंक रु लुट मामला पश्चिम बंगर थराहला मास्टरमाइंड चंदनेश्वर रे थिबा यूनियन बैंक रु लुट मामलें बालेश्वर पुलिस को बड़ सफलता मिली पश्चिम बंग 26 प्रकणांचल मास्टरमाइंड को गिरफ कर पुलिस एथस 854 ग्राम सुना जपत कर पूर्व घटन 6 जन को गिरफ्त कर घटन 14 जन संप्रति बालेश्वर एसपी सागरिकनाथ सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते से कहते यूनियन बैंक लुट मामलार मास्टरमाइंडर नाम तयाफ मुला ता नाँ पश्चिम बंगर विभिन्न थाना बहु मामला रही सूचना मिली सूचनाजोग्य गत एप्रिल मसने चलेश्वर चंद्रेश्वर या यूनियन बैंक लुट होता 8 जन दुर्वृत्त बंधुक मन में भयभीत कराई प्राय 40 लक्ष टा और सुना लुटी नहीं बैंक कर्मचारी को प्राय 40 लक्ष टा और ताला पक सब टा और सुना लुट कर छु मारी दुर्वृत्त घटनास्थल में चलेश्वर पुलिस पहुंच छानबीन आरंभ कर तेज 8 दुर्वृत्त लुट करने केवड़े फेरार हो जाते पुलिस आखपाखे सीसीटीवी जांच कर दुर्वृत्त को खोजा प्रारंभिक प्रयास जारी रखी नंबर 10 को जवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी शेष पर्यटन देखु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी लाइक कर दिंतु कारण आपणकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनैवापी प्रोत्साहित करें साथ जिलूर भिडियोटी देखुं कमेंट बक्स में निश्चय लिखुद।
नंबर टेन मलकानगिरी माओ क्या ठाप रकेट लंचर समेत विस्फोरक जबत सीमा सुरक्षा बाहन पीएसएफ रवान मैंने सोमवार मलकानगिरी जिला कालीमेला ब्लक अंतर्गत बड़ीलुकुड़ा पृंतामामटी अंचल माओ क्या ठाप करते 142 बटालियन पीएसएफ रवान मैंने सर्च अपरेसन समय भेजांगीगुड़ा संरक्षित जंगल माओ सामग्री जबत करते विस्फोरक सामग्री और रकेट लंचर थी पीएसएफ पक्ष सूचना प्रदान करएसएफ पक्ष विश्वस्त सूत्र सूचना मिलवा पर जवान मैंने भेजांगीगुड़ा संरक्षित जंगल में सर्च अपरेसन करते अपरेसन समय माओ क्यांप्रु गोटे 303 राइफल 11 ब्यारेल गोटे पत्रिका 15 हैंड ग्रेनेड इम्प्रोभाइज गोटे हैंड ग्रेनेड चाबी 3 देशी बंधुक 2 51 mm मोटर बमा गोटे गैस वेल्डिंग मेसीन 112 ड्रिल बिट 42 303 जीवंत कैटरीडेज 250 meter विद्युत तार गोटे देशी रकेट लंचर 7 चार्जर क्लीप गोटे गैस रेगुलेटर नोजल सेट 11 आयरन वेट 29 डिलाटिन स्टिक 5 packet आलुमिनियम नाइट्रेट 30 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 9 सिंथेटिक वेल्ड मेसीन बेल्ट जबत हो। नंबर 11 गोल्डन आवर रे फोन करी जणाइले रोकी हेबा साइबर ठके तिनकु तना पढ़ी चले थिपरु पुलिस पई एहा का बड़ चैलेंज पलटिछे एहा को रोकी पा पई 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर गत 4 तारिख रु कार्यक्षम होइछे पूर्वपुरु ऑफिस समय रे ए हेल्पलाइन नंबर चालुथला जेउति पई जणा लोक संथारा ठकामी रो शिकार हले साइबर हेल्पलाइन नंबर को कॉल करी पारु नथला जेउति पई ठकी टंका कोटी अकाउंट रु एकाधिक अकाउंट को ट्रांसफर करी टंका काढी नै चाउथले एहा को रोकी पा पई 24 घंटिया साइबर प्रथ हेल्पलाइन कार्यक्षम करा साइबर ठकी शिकार होता व्यक्ति जेको समय फोन करेंगे अनेक क्राइमब्रांच प्रेस विज्ञप्ति कर सूचना देखते साइबर ठक मान द्वारा प्रतारणा होता नागरिक मैंने बिना विलंबर तुरंत 1930 डायल करवा उचित ठक मान द्वारा ठकी टाँ अन्य आकाउंट को जवा पूर्व गोल्डेन समय मध्य अभियोग आवश्यक जहाद्वारा ठक मैंने ठकी टाँ को एकाधिक आकाउंट को नहीं पारे ना। नंबर 12 ब्रिटेन रे व्यापुछे कोविडर नुआ भारियंट एरिस किछि दिन रा व्यापथन पर पुणि थरा काया मलाइछे कोविड एबे इंग्लैंड रा एरिस बाइछि 5.1 नामक एक नुआ कोविड भारियंट पे चिंतार कारण पलटिछे समग्र ब्रिटेन रा त्रुतगतरे व्यापी पारा लागिछे जुलाई 31 तारिख रे प्रथम यहा को भारियंट पापर चिन्हट करा चैथिला एरिस होछि ओमिक्रॉन स्ट्रेन रो एक नुआ सब भारियंट एहा पे द्वितीय सर्वाधिक संक्रमणशील भारियंट रे परिणत होइछे प्रति 10 कोविड मामला मथुरु गोटी एरिस मामला पहारुछे ए नूतन कोविड भारियंटर कोरोना संक्रमण वृद्धि एपरी एक समय घटी जितेबाला इंग्लैंड डाक्तरखाना रोगी संख्या बढ़ी चलती खराब पाक लोकों रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल होगा यहाँ आहरी पठाई जुलाई 10 रु आरंभ होता सप्ताह ब्रिटेन प्राय 11.8% कोविड मामला एरिस संक्रमण थी जना पड़ा एभली परिस्थिति में स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने सतर्क खंटी पचाई ओमिक्रॉन एक्ट्रेस वेरिस उपप्रजाति कोविड आउ एक बड़ लहर आसपार आशंका रही पुलिस चेतावनी देते विशेषकर एशियो देशगुड़िक एरिस संक्रमण आंतर्जातिक मामला द्रुत गति में वृद्धि पाई। नंबर 13 हस्तंत वस्त्र पिंधि लंडन राजरास्त नाचिले 700 भारतीय महिला अगस्त 7 को सारा देश में जितिय हस्तंत दिवस भाव में पालन करे विदेश भारतीय मैंने उत्साह सह पालन करते गत अर्थात सोमवार ब्रिटेन एक महिला संगठन ब्रिटिश वोमेन इन साड़ी ग्रुप पक्ष लंडन में साड़ी वाकाथन 2023 कार्यक्रम अनुष्ठित होती वाकाथन इंग्लैंड ट्राफलक छक आरंभ पार्लियामेंट स्ट्रीट निकट में महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति में शेष होता गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर मध्यप्रदेश केरल और दिल्ली भली विभिन्न राज्यर प्रतिनिधित्व करुवा पर 700 जन महिला लंडन में केतक प्रसिद्ध स्थान को विभिन्न रंगीन शाढ़ी पिंधि नाटुनाटु संगीत ताल नाचि नाचि जाते वाकाथन में फाक नहीं प्राय 40 जन महिला गडवाल पचमपल्ली एकाथ नारायणपेट और गोलाफामा भली विभिन्न प्रसिद्ध शाढ़ी ब्रांड देखा मिलता ब्रिटिश सोमेनिन साड़ीर प्रतिष्ठाता डॉक्टर दीप्ति जैन कहते प्रेरणादायी भारतीय महिला आईएडब्ल्यू सहयोग में यह कार्यक्रम आयोजन करा चाहिला साड़ी पिंधुवा महिला का फोटो और वीडियो को अनेक लोक सोशल मीडिया सेयार करते। नंबर 14 लोकसभा गृहीत होला डाटा सुरक्षा बिल विरोधी कोलाहल भितर सोमवार लोकसभा डिजिटल पर्सनाल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 गृहीत होइछे जेउथरे व्यक्तिगत डाटा को गच्छित रखुथिबा संस्थागुडिक उपरे केतक साधारण एवं केतक क्षेत्र में स्वतंत्र दायित्व लागू करिपार व्यवस्था रहिछे
ଏହି ବିଲ୍ ଦେଶର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଉ, ଆଧାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଲକର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଲ୍ର ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ର ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଡାଟା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏ ଡାଟାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଡାଟାର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଲ୍ରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଓ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15, ସୀମାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଅଫର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ଉଦୟପୁରରେ ଟେଲର କହ୍ନେଲାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା କାହାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିଛି। କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ନାମ ମନୁ ମାନସର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୀମାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ଥିଲେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କିଲର। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ଏକ ଟେଲର ମର୍ଡର ଷ୍ଟୋରୀକୁ ମେରଟର ସପନାତା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମକୁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ସେଟ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସପନାତା। ଅମିତ ଜାନି ନିକଟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ ଧମକ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ମନୁ ମେନେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିଜିପି ଏବଂ ମେରଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 8 ମଙ୍ଗଳବାର ଏବେ ମାଛାଣିପା ପାରିଟ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ନମ୍ବର 1, ମେଷ ରାଶି। ଆଳସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଟେନସନ୍ କମିଯିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୃହସଜ୍ଜା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ବୃଷ ରାଶି। ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାରେ ଜଣେ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅସାବଧାନବଶତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତ ଘଟଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ ଯୋଗୁଁ ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ନମ୍ବର 3, ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଳସ ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସୂଚକ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ନମ୍ବର 4, କର୍କଟ ରାଶି। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଈର୍ଷାପରଣା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ନିଜ ଲୋକ କହି ହଇରାଣରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 5, ସିଂହ ରାଶି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ପଳାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ ଭଲ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 6, କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ଘଟଣା ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଜ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନିଦ୍ରା ହେତୁକୁ ଜ୍ୱର ଓ ବାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅଯଥା ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରୁ ବିଚଳିତ ହେବେ। ନମ୍ବର 7, ତୁଳା ରାଶି। ପିଲାଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ। କଚେରୀ ମାମଲା ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କାଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ତା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ବିଛା ରାଶି। ପୁରାତନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ବେଶ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 9, ଧନୁରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇଲ୍ କାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଘର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଭାବ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଦ୍ଭାବ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରଶାସନ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ ଯାତ୍ରାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 10, ମକର ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି କେତେକାଂଶରେ ଭଲ ରହିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ରୁକ୍ଷ
व्यवहार सहकर्मी मन में आघात देपे माली मकदमा व्यवसाय क्रीड़ा व साहित्य क्षेत्र में सफलता पाइबे। नंबर 12 मीन राशि पारिवारिक प्रतिरोध काम को विशृंखलित कर योजना मुताबक कार्यर सफलता पाइबे। जिते भल कम कले दोष खोजी बुलवे हठात कौन घटना मन को ब्रत करें धर्यर सह परिस्थितर मुकबिला कले अवश्य सुफल पाइबे। स्वास्थ्य किसी मात्र बिगड़ी जापे।